नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। तो ये खबर आजमगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से संस्कृत छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया गया एवं उत्तर प्रदेश के समस्त संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के 69,195 विद्यार्थियों को 586 लाख की छात्रवृत्ति का संवितरण किया गया। उक्त कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट सभागार आजमगढ़ में संशोधित संस्कृत छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य रामसूरत राजभर एवं जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर प्रतिमा के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। उक्त कार्यक्रम में भवानंद संस्कृत विद्यालय पुनर्जी आजमगढ़, श्री सनातन धर्म संस्कृत विद्यालय आजमगढ़, श्री धर्म संघ गिरी संस्कृत विद्यालय जिंदोपुर आजमगढ़, संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बुढ़नपुर कोयलेशा आजमगढ़ एवं श्री श्री 1008 बाबा मुसई दास संस्कृत विद्यालय बहिरा देव गौरा आजमगढ़ के कुल 50 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बताया कि जनपद में संस्कृत विद्यालयों की संख्या 47 है, जिसमें पंजीकृत छात्र छात्राओं की संख्या 4104 है। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति हेतु पात्र 2613 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का वितरण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। उन्होंने बताया कि कल तक सभी छात्र छात्राओं के खाते में छात्रवृत्ति का पैसा पहुंच जाएगा। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ मंडल दिनेश सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक उपेंद्र कुमार, संबंधित अधिकारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।